अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखें जी, हमारी मेट आ गई थी और हम वो सफाई कर रही थी आंटी। यहाँ मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता अपने लिए, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। जगह पे देखिए जी, ऑमलेट बन रहा है यहाँ पर हमारे नाश्ते में। अभी हम धोते हैं ये बर्तन, बर्तन हो रहे हैं, सारे नाश्ते से फारिग हो गए हैं। अभी बर्तन धोते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो ये अभी हम धोने लगे हैं बर्तन। तो एवरीवन देखिए, मेरे यहाँ सारे बर्तन धुल गए और मैं अपने अब किचन की सफाई भी मैंने कर ली सब। ये देखें बर्तन सारे धुल गए, सफाई वफाई भी हो गई, चूल्हा भी साफ कर दिया सारा। और ये देखें जी, सारी सफाई हो गई, क्लीनिंग हो गई, सब डन हो गया। ये देखें यहाँ से सब समेट दिया, कितना बिखरा हुआ हो रहा था किचन। तो बस अभी बर्तन जो है इनको इनकी जगह पे लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखिए अभी जो है शाम हो चुकी है, 5:30 हो रहे हैं शाम के। ये देखें घड़ी के अंदर 6:45 यानी कि 6:10 बाकी है। और अभी हम जो है यहाँ पर चाय बना रहे हैं शाम की। ये बेबी डॉल बैठी हुई है, पाउडर मिल्क खा रही है। यहाँ मैंने आलू बॉईल किए थे, अब इनका मैं तीचा पाचा करने लगी हूँ। तीचा पाचा क्या होता है? मैं इनका खाना पकाऊँगी। तो ये जो आलू हैं ये तसले में शिफ्ट कर देते हैं, उसके बाद दोपहर के खाने के बर्तन थे अपनी जगह पे लगा देते हैं ऐसे करके। उसके बाद इन आलूओं का मैं पकाने की तैयारी करती हूँ। तो क्या पकाती हूँ ये मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। अभी ये देखिए हमने तमाम लवाजमात यहाँ पे डाल दिए हैं। और अभी जो है हम इनकी
मिक्स करके एक्सरसाइज करा रहे हैं उनकी, मिक्स करके तो देखें इस तरीके से हुई। मियाँ बिल्ली की आवाज़ आ रही है रबिया। चले इसको मिक्स करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है। ये हमारी चाय बन रही है। देखिए भी मैंने आलू के कबाब बना लिए हैं। तो जी एवरीवन, ये हैं हमारे बकाया के बचे हुए कबाब। बाकी हमने यहाँ पैन में डाले हुए हैं, ये फ्राई हो रहे हैं और हल्के चूल्हे पर फ्राई कर रही हूँ ताकि अंदर से अच्छे से पक जाए। और ये अंडा है हमारा बीट किया हुआ। देखिए अभी रात के 9:30 हो चुके हैं, अभी हमने सब ने खाना खा लिया है, बर्तन भी धुल चुके हैं हमारे। और यहाँ रबिया बैठी हुई तली हुई पापड़ खा रही थी, उसको मैंने घर में तल के लिए, तो बस अपना ख्याल रखिएगा। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। और एक चीज़ तो मैं आपको दिखाना भूल गई, खाने के बाद हमारे यहाँ पी जाती है मेरे अलावा रात के खाने में ग्रीन टी, ये वाली टपाल ग्रीन टी लेमन। तो ये देखिए इसका स्कॉच पाउ जिस तरह पड़ा हुआ है ग्लास के अंदर, सॉरी कप के अंदर, और यहाँ पर पानी बॉयल हुआ है। अच्छा ये कौन पीता है, ये हमारी सिस्टर इन लॉ पीती हैं। यहाँ पर मैंने अभी बेबी डॉल के लिए एक आलू बॉयल, क्योंकि आलू का कटलेट बनाया ना तो बॉयल उबला हुआ आलू इसके लिए रखा था मैंने, वो ये रखा हुआ है, अभी खाऊंगी और आती। बाकी मेरा चाय पीने का मूड है, मैं चाय पीऊँगी। तो जी देखिए हमने अपने मुताबिक फ्लेवर यहाँ से ले लिया है और अब इसकी पैक का काम ख़त्म। और मेरा मूड है चाय पीने का, तो मेरी चाय यहाँ पर हो चुकी है और मैं निकाल के इसको शराफत से पीने लगी हूँ। हाँ ये गई ग्रीन टी, ये आ गई चाय, बढ़िया सी चाय। वो चमची में लगा के दे दें पापड़ कांटे में। और अभी जी हमने धो लिया है बर्तन, बस ये ही था आज का हमारा ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब नाउ। किचन हमारा नीट एंड क्लीन हो गया, अब रात के बज चुके हैं 10, काम हो गया है यहाँ पे ख़त्म। अब ये देखिए यहाँ पर बच्चों के पेपर भी हो रहे हैं, इनके कॉपी छॉपी भी चेक हो रही है, कहाँ कहाँ बच्चों के पेपर हो रहे हैं, कहीं तो रमज़ान से पहले होने हैं।